हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण श्री उत्तम सिंह चौहान ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 74वीं बोर्ड बैठक की कार्रवाई की पुष्टि तीर्थ यात्रियों पर्यटकों के आकर्षित करने एवं उसकी सुविधा के क्षतिग्रस्त हरकी पौड़ी कॉरिडोर विकसित करने पार्कों के सौंदर्यीकरण मोहल्ला कचड़ से लेकर गुरुद्वारे रोड ज्वालापुर तक नाले का शुद्धिकरण अशफनगर रुड़की में मिश्रित आवासीय योजना परियोजना तैयार किए जाने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इंद्रलोक आवास आवासीय योजना भाग टू में दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण सहित प्राधिकरण लैंड भूमि हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु प्रस्तावित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। बैठक में तीर्थ यात्रियों पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उसकी सुविधा के क्षतिग्रस्त हरकी पौड़ी कॉरिडोर विकसित करने पर विचार हुआ था। उसकी DPR प्रस्तुत करने के निर्देश मंडलयुक्त द्वारा किए गए। बैठक में बताया गया कि हरिद्वार तीर्थ की गरिमा के अनुरूप एक सुंदर पार्क हेतु 23 मार्च पार्क सहित पार्क हरिद्वार का चयन किया गया, जिसके निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें अनुमोदित किया गया। मोहल्ला कच्चर से लेकर गुरुद्वारे रोड ज्वालापुर तक नाले का शुद्धिकरण के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि नाले का कार्य चल रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक थी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हरकी पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और DPR तैयार की जाए, ये ताकि जो सुविधाएं हैं यात्रियों को वो हम लोग दे पाएँ, मार्गों को ठीक कर पाएँ, उस पर जिस प्रकार भी प्लानिंग होगी वो किया जाए। सर लगातार कार्रवाई चल रही है चार्टी के हरिद्वार में, लेकिन सर इसका सोल्यूशन क्या है, कभी हल निकलेगा या क्या नहीं? उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है।